हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवाजी टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक जिसको आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, बस हद से इतना ही काम करना, भले आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 15-20 मिनट का समय केवल निकाल लेना होगा। 2 से 5 मिनट की वीडियो बनानी है, आपको थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी है और कुछ नहीं करना, और आप भी अच्छा खासा पैसा महीने का अर्न कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत लाखों लाखों रुपया यार कमा रहे हैं। आपको करना ही क्या है, कुछ समय आप ऐसे भी तो वेस्ट कर देते हैं। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम को सही जगह पर अगर लगा देते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, तो आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है और कैसे नहीं करना, मतलब पूरी डिटेल्स आपको मैं समझाऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पर। भाई लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतने लोग दीवाने हैं, ये तो मैं जब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप भी क्रिकेट की वीडियोस बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको केवल ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, मोबाइल की स्क्रीन पर चलूंगा, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है लखन, और आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना आप जानती हैं भाई, एक लाइक कर देना यार, क्या ही जाता। आप लोग लाइक करेंगे तो हमको यार अच्छा लगेगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। कुछ पैसा थोड़ी ना लगना यार, आपको कोई मेहनत नहीं लगनी, कोई पैसा नहीं लगना, सब कुछ फ्री है यार। केवल आपको टचिंग तो करनी है, केवल रेड वाले बटन पर आपको टच करके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर अपने ट्विटर को ओपन कर लेना होगा। दोस्तों अक्सर ट्विटर सभी लोग चलाते हैं, ऑलमोस्ट, नहीं भी चलाते तो आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सर्च बार में जाकर यहाँ पर टाइप करना होगा, अभी बता देता हूँ भाई, BCCI, मैंने पहले ही सर्च करके रखा हुआ है, तो ये लीजिए BCCI आपको सर्च करना। तो यहाँ पर मिलेगी आपको लेटेस्ट फ़ोटोज़, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू। तो आप फ़ोटोज़ पर यहाँ पर आ सकते हैं। फ़ोटोज़ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सारी जो फ़ोटोज़ मिलेंगी, सारी लेटेस्ट फ़ोटो मिलेंगी क्रिकेट से रिलेटेड। आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, ये लीजिए हमने ये फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको इसको सेव भी कर लेना, आपको 3 डॉट पर जाकर और सेव कर देना, सीधा आपकी गैलरी में पहुँच जाएगी। आपको विश्वास नहीं होता, चलिए मैं दिखा देता हूँ। गैलरी ओपन करते, तो ये देखिए दोस्तों, गैलरी ओपन करते ही हमारी जो फ़ोटोज़ थी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी फ़ोटोज़ सेव कर लेनी होगी। चलिए मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और सेव करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे का प्रोसेस क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। आप यहाँ से जो है फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं 2-3 फ़ोटो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने 3 फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और हमने अपनी गैलरी में पहुँच गई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या, सीधा आपको चलना है अपने काइन मास्टर में। मैं अपना काइन मास्टर ही यूज़ करता हूँ, सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट ऐप है। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर जाना है, 16:9 सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपको मीडिया पर जाना है, और मीडिया पर जाने के बाद जो हमने फ़ोटोज़ डाउनलोड की हैं अभी, तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सारी फ़ोटोज़ जो हमने अभी सिलेक्ट की थी वो आ चुकी है। यहाँ पर हम 3 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक डबल हो गई थी सेव। तो ये लीजिए हमने 3 फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है दोनों को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरीके से आप स्क्रीन से फिर बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हैं, इनको जूम करके फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर करना क्या है। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा इनमें इफ़ेक्ट लगा देना। इफ़ेक्ट कैसे लगाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आ जाना होगा क्लिप ग्राफिक्स, ठीक है। तो आपको क्लिप ग्राफिक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से जो आपको पसंद हो आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपना स्क्रीन इफ़ेक्ट लगा लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरीके से आप काफ़ी सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। 3D ट्रांजेक्शन है, आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और आगे भी और दूसरे पर भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं।
और आगे भी आप सभी पर 3D जो है इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ इस तरीके से, जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, और फालतू कुछ नहीं करना, मैंने आपको केवल यहाँ पर 3 सिलेक्ट किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमारी 13 सेकंड की वीडियोस बनी है, आप इसको 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अपनी वॉइस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर देनी होगी। स्टार्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। आपको वॉइस इस तरीके से करनी है जैसे आप कॉमेंट्री देखते हैं क्रिकेट, यहाँ पर कॉमेंट्री कर सकते हैं इस तरह। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई देखिए कैसे विराट कोहली ने 600 शतक बनाकर किया, एक इतिहास रच दिया, इस तरीके से आप कमेंट्री कर सकते हैं। भाई मेरे को तो कमेंट्री करनी नहीं आती, हो सकता आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हो, क्रिकेट के दीवाने हो, ठीक है ना, वो तो अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। तो आप कुल मिला के इस तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके बाद आपको करना क्या है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी होगी अपनी ये वीडियो। जैसे ही आप अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, और आपको सिंपली आगे आप जानती हैं क्या करना, आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देना, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हैं थंबनेल कैसे बनाई जाती है, आप नहीं पे आती है तो आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, और कैसे बना सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं कि आप थंबनेल कैसे बना, बहुत ईजी होता है क्रिकेट की थंबनेल बनाना, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से थंबनेल भी बना सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं, और उसके बाद अपनी वीडियो जो है अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पर। बस आपको सिंपली इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको कितना आसान है ये वीडियोस बनाना, वो भी बिना फेस दिखाए, आपको केवल अपनी वॉइस ही देनी है। वॉइस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली करते जाएंगे, आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप अच्छी कमेंट्री इसमें करना शुरू कर देंगे। आपको केवल फ़ोटोज़ डाउनलोड करने, इफेक्ट देने, एडिटिंग करना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आप समझ भी गए होंगे, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। आप भी कोशिश कीजिए, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होता, आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद।